Millions of stars in the sky, but very few are there who refuse to fade in course of time. लाखों करोड़ों तारों के बीच कोई एक जो धुंधलाने से इनकार कर दे साफ साफ, वक्त खुद जिससे जरा सी चमक चुराने को उसका मोहताज होता है। एक मुसाफिर बढ़ता हुआ आगे और आगे, बड़े से बड़ा तूफान जिसके कदमों से टकराकर वापस मुड़ जाए। तुझे गुमान है खुद पे असर फिरे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। मुस्कुराहट, बस एक मुस्कुराहट, आत्मविश्वास की अटल मुस्कुराहट से पुरनूर चेहरा, मिसाइल मैन आमजन का राष्ट्रपति, वैज्ञानिक दार्शनिक, बाल सुलभता लिए बच्चों का मित्र, विशेषण कम पड़ जाते हैं। वैसे मां बाप ने नाम दिया अबुल पाकिर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम। बेहद साधारण पृष्ठभूमि से भारत के राष्ट्रपति तक के आसन को सही सार्थकता देते एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत को विश्व में महाशक्ति बनने की ओर न सिर्फ उन्मुख किया उन्होंने, बल्कि महाशक्ति बनने के विश्वास को उन्होंने ताकत दी। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी गांव में मूलतः मछुआरे पिता जैनुलाबदीन और आशियम्मा के घर जन्मे डॉक्टर कलाम 9 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे, पर जिम्मेदारी को समझने और उसे निभाने में शायद सबसे वयस्क। जिनके बचपन के बारे में ये खुला सच है कि सुबह 4 बजे उठने, नहाकर अपनी पढ़ाई करने और नमाज के बाद सुबह रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर अखबार बेचकर परिवार की भी मदद करते थे। भारतीय दर्शन में व्यष्टि से समष्टि की अवधारणा के जीते जागते उदाहरण थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। धर्म जाति वर्ग की सोच से ऊपर एक भारतीय और उससे भी श्रेष्ठ एक इंसान, सभी धर्मों के लिए एक सा सम्मान रखने का ही नतीजा था ये। 22 स्टेट्स आई हैव विजिटेड, दिस इज 23rd स्टेट जे&के। एवरीवेयर आई विजिट एवरी रिलीजन, name it, every religion I visit. But all the religions, when you go inside the religions, they are beautiful, they are lovely, they are full of fragrance, but they are islands, beautiful islands. सच्चाई, साफगोई, शालीनता और दृढ़ता की पहचान बने कर्मयोगी डॉक्टर कलाम को भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है जो राजनीति की दुनिया में एक बाहरी आदमी थे। राष्ट्रपति होते हुए भी राष्ट्रपति भवन के सिर्फ एक कमरे में रहने वाले और राष्ट्रपति भवन छोड़ते हुए एक कपड़ों का बैग लेकर निकलने वाले डॉक्टर कलाम की सादगी के बारे में क्या कुछ और सबूत जरूरी है? उनका जीवन समर्पण और देशप्रेम का अनूठा उदाहरण है। बचपन की विषम आर्थिक स्थिति से सीना तान कर जूझते हुए डॉक्टर कलाम ने 1954 में त्रिचुरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक करने के बाद मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। ये डॉक्टर कलाम के प्रयासों से ही संभव हो पाया कि भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन पाया, जब वर्ष 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया गया। याद वही किया जाता है जो अपनी यादों के अक्स गढ़ पाने में कामयाब हो, और
यही थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम की प्रेरणा शक्ति, प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के मुखिया और भारत के राष्ट्रपति, जिन्होंने राष्ट्रपति की गरिमा को एक अनूठी परिपाटी और परिभाषा दी। The first phase when he was heading the Defence Science Research Establishment, where he developed India's missile program and contributed greatly to defence preparedness and technology of the country. The second phase, as a much loved President of the Republic of India, where he very easily mixed with the public and interacted with the public. இனியின்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் அணியன்ப நாட்டிற்கு இவ் ஐந்து. That is quote, the important elements that constitute a nation are being disease free, wealth, high productivity, harmonious living and strong defense, unquote. All our efforts should be focused towards building these five elements at various levels in a coherent and integrated manner. I have been convinced that our nation, with a strong, vibrant and billion plus population, can contribute to realize these elements. Today, our country facing the challenges such as cross-border terrorism, certain internal conflicts and unemployment. To face these challenges, there must be a vision to ensure the focused action of 1 billion citizens of this great country with varied capabilities. What can be the vision? It can be none other than transforming India into a developed nation. Can government alone achieve this vision? Now we need a movement in the country. This is the time to ignite the minds of the people for this movement. We will work for it. We can emerge as a developed nation if we do not learn to transact with speed. I recall a saintly poet Kabir's wisdom to us, "Kal kare so aaj kar, aaj kare so ab." That means what you want to do tomorrow, do it today, and what you want to do today, do it now. विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दबावों से ऊपर उठते हुए 11 मई 1998 को पोखरण द्वितीय की सफलता से भारत के मस्तक को गौरवान्वित कर उसे उसकी शक्ति से परिचित कराना डॉक्टर कलाम का राष्ट्र के इतिहास में एक अमर योगदान है। भारत को सामरिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि के विकास और सफल परीक्षण के मूल स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तादम सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में सोचते रहे। वर्ष 1962 में इसरो से अपनी सेवाएं शुरू करने वाले डॉक्टर कलाम ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए ही उन्हीं के समय में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का निर्माण किया। Whatever I have learned in terms of technology or in terms of management is from him. The SLV-3, India's first satellite launch vehicle, was the major stepping stone in his career as well as for the nation. He was always the last person to unlock the door and go. See, he used to work till everybody leaves and then he will lock the door and go. राष्ट्रीय शिक्षक की भूमिका में भारतीय मूल्यों में रचे बसे भारतीय मानस का प्रतीक पुरुष थे वे। भारत के विषय में उनकी सोच और उनके समर्पण का बेहतरीन नजारा दिखाई देता है उनकी पुस्तक इंडिया 2020 में, जहां वे
2020 तक भारत को विश्व का सिरमौर बनाने का सपना देखते हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद आती है। उन्होंने अपनी किताब माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, उसमें अपने जीवन का एक प्रसंग लिखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे पायलट बनने की इच्छा थी और बहुत सपना था मैं पायलट बनूं, लेकिन मैं जब पायलट बनने गया तो मैं फेल हो गया, मैं विफल हो गया, नापास हो गया। अब आप देखिए उनका नापास होना, उनका विफल होना भी कितना बड़ा अवसर बन गया। वो देश के महान वैज्ञानिक बन गए, राष्ट्रपति बने और देश की आणविक शक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बच्चों का साथ उनकी एक अपनी निजी पहचान थी। मन से वे स्वयं भी एक बालक की तरह ही निश्चल निष्कपट थे। बच्चों से अपने इस लगाव में सुरक्षा के पहलुओं को भी नजरअंदाज कर जाते थे। बच्चों से उनके लगाव के बारे में मशहूर है कि किसी बच्चे की जिज्ञासा में एक ही प्रश्न बार बार पूछने पर भी वे कभी झुंझलाए नहीं, बल्कि होंठों पे और मुस्कुराहट लाते हुए बार बार उसकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते थे। Very easily mixed with the public and interacted with the public. After he had ceased to be the president of the republic, he became a teacher, a very popular teacher. He interacted with young people, lectured throughout the length and breadth of the country. So each one of these phases played a role in his public persona. Abdul Kalam sahab hamare prerna strotra the, prakhar rashtrabhakt the, wo ek unka vyaktitva alag type ka tha. राजनीति से बहुत दूर थे, राष्ट्र के लिए समर्पित थे और नॉलेज, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान, इसके आधार पर देश का निर्माण कैसे हो, ये उनकी सोच थी और वो विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने भारत के लिए सोचा था। हम सब के लिए परम आदरणीय प्रेरणा के स्तोत्र के रूप में वो रहे, आगे भी रहेंगे। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद तीसरे ऐसे भारतीय थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित हो चुके थे। बहुत ही बड़े शख्स थे और एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद की गरिमा के साथ साथ जनता से कैसे जुड़ सकता है, इसलिए आज तक देश उनको इतने सम्मान से याद रखता है। बहुत संवेदना, बहुत श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं कि एक बहुत ही बड़े भारतीय आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह बच्चों से लेकर बूढ़ों सबों का दिल उन्होंने जीता, उनका यह महत्व सदैव स्थायी रहे। राष्ट्रपति के पदभार से मुक्त होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक की अपनी भूमिका पूरी तरह निभाने का बीड़ा उठा लिया और भारत के युवा की ऊर्जा को एक सार्थक दिशा देने के अपने लक्ष्य को साधते हुए निरंतर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विशेषज्ञ वक्ता के बल पर जाते रहे। और ये एक कर्मयोगी का ही महाप्रयाण था कि अपने कर्म के दायित्व का निर्वाह करते हुए ही सक्रिय स्थिति में ही उनका जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर देते समय अचानक ही वे लड़खड़ाए और फिर कभी नोट पाने के लिए मंच पर ही गिर गए। Dr. Kalam was a people's president during his lifetime and will remain so even after his death. I pay my respectful homage to my late departed friend Dr. APJ Kalam. Abdul Kalam ji ke nidhan ke samachar पूरे देश के लिए और विश्व की वैज्ञानिक आलम के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए आज भी दिशादर्शक है। डॉक्टर कलाम वॉज not merely the president,
but he was to every Indian a role model and an ideal citizen. Everything about him was positive. He thought well, he had positive ideas, his contribution as a scientist, his contribution as a president was unparalleled. He's left a void for all of us. The whole of the country will mourn his death, and we'll all continue to remain inspired by him. President Kalam was the people's president. He was a president who had the ability to connect with India's young. We will miss him. We will miss his thinking. We will miss his vision. It's quite apt that he worked till the last second of his life. It was the way he lived his entire life, and we are proud of him. पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब जो है उनको देश का नहीं जनता का राष्ट्रपति के रूप से लोग देखते थे. उसको हर बच्चे से लेकर के बूढ़े नागरिक कोई भी हो उसको अपना राष्ट्रपति मानते थे. और हम लोग जब संसद में था उनको एमपी के हिसाब से भी हम डेलीगेशन के रूप से मिले. और वो जब राष्ट्रपति नहीं रहे उसके बाद भी हम लोग ने फिर मिला. हर समय उसका एक मैसेज रहता था देश के लिए और जीवन के लिए. आई एम डीपली सैडन्ड. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इनफैक्ट ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट दैट द कंट्री हैज एवर हैड. डॉक्टर कलाम एक आम आदमी के राष्ट्रपति थे. इस देश का एक आम आदमी उनसे रिलेट करता है अपने आप को. हर आदमी को लगता है ये मेरे राष्ट्रपति हैं. हर आदमी का उनसे दिल से दिल का मामला था. तो पूरे देश के लिए ये एक बहुत ही बड़े सदमे की बात है. We have never come across such a simple, honest, dedicated president of India. He is the president of common people. He is the president of poor, downtrodden. And he is a president particularly who is concerned for the welfare, for the future of the country. He wants the country to make a superpower. And in order to make superpower, he who inspired the younger generation. हर आंख नम है, हर पेशानी पे चिंता की रेखाएं हैं. सिर के बीचों बीच मांग से चांदी के तारों से बनता ताज और आंखों की उत्सुक पर गंभीर चमक. शरीरी रूप से हमारे बीच शायद अब फिर कभी ना आए पर उनकी याद. जन्म एक भ्रम है और मृत्यु एकमात्र पूर्ण सत्य. आने वाला जाएगा भी, जाता ही है, उसे जाना ही है, पर
साधारण जीवन से अलग असाधारण बनते चेहरे बहुत कम ही होंगे। उनकी याद तो सारे भारतीय मानस पर अनंत काल तक अंकित रहेगी ही, और कौन नहीं है इस समय जो उनकी कमी को महसूस न कर रहा हो। दलों की बंदिशें तोड़कर सभी राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें इस समय श्रद्धांजलि दी। उनके आधिकारिक आवास 10 राजाजी मार्ग पर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता कम नहीं हुआ। आज रामेश्वरम के उनके पैतृक गांव में जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो उनका मुस्कुराता चेहरा शायद यही कह रहा होगा, मेरा अज्म रूए चमन पे है, मेरा जर्फ निकहते गुल से है। मेरा अज्म रूए चमन से है, मेरा जर्फ निकहते गुल से है, मेरी वुसअतों का मयार कुल बस एक जर्रे खाक है।